मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया। एक चीज़ तो इससे साफ होती है कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई तो इसके मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। ये अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या सच्चाई में न्याय दे पाएगी। जनता 400 का बुखार 200 पे उतार देगी तो अपने आप मार्क्स दे दिए 50% पे। ये है हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। गठबंधन टूटने से पहले दुष्यंत चौटाला हर मुद्दे पर मोदी और भाजपा के समर्थन में खड़े रहते थे। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का दम भरा करते थे, मगर गठबंधन से अलग होते ही दुष्यंत चौटाला के सुर इस कदर बदल गए कि दुष्यंत न केवल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलना शुरू कर दिए हैं, बल्कि भाजपा की 400 पार सीटें जीतने नारे पर चुटकी ले रहे हैं। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला बीते दिन भिवानी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और कहा कि ईडी को जब रिमांड के दौरान कोई सबूत नहीं मिले तो केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट इंसाफ करता है या नहीं। जो कदम उठाया गया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल कदम था, पर केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट क्या है चीफ मिनिस्टर और उनको किस उतेते पे रखा गया। मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज़ तो इससे साफ हो चुकी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई तो इसके मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। तो आने वाले समय में इसकी भी पोल खुले, ऐसी एजेंसीज का उपयोग निरंतर जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी की बात हो, UPA 1 के अंदर चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज करने की बात, एजेंसीज के हाथों केंद्र की सरकारों ने कदम उठाए। ये अब कोर्ट पे निर्भर करता है कि क्या सच्चाई में न्याय दे पाए। दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासन में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इसी तरह से दुरुपयोग किया जाता रहा है। दुष्यंत ने इशारों में केजरीवाल को जानबूझकर फंसाने की बात कही और साथ ही ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता 200 सीटों पर लाकर भाजपा के 400 पार नारे का बुखार भी उतारने जा रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तीसरा चुनाव लगता है। व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं, आप क्या मानते हैं? देखो, आज मुझे किसी भी नेता के व्यक्तित्व तौर पर आंकड़े देने के लिए मुझे नहीं लगता ये उचित समय है। लोकसभा का चुनाव आज सर पर है तो जनता वोट देगी, जनता 400 का बुखार 200 पे उतार देगी तो अपने आप मार्क्स दे दिए 50% पे। बता दें कि शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें कई दिनों की रिमांड के बाद बीते 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी अधिकारियों की माने तो केजरीवाल ही शराब घोटाले के सरगना हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से डर लग रहा है, जिसके चलते उन्होंने केजरीवाल समेत आपके बड़े नेताओं को जेल भेज दिया है ताकि वो लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ना जा सकें। बहरहाल, शराब घोटाले को लेकर देश में सियासत गर्म है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन। ऐसे में केजरीवाल के समर्थन में आए दुष्यंत चौटाला को लेकर भाजपा का क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।